देखिए आज हम लोग पहुंचे हैं बिहार की आरा लोकसभा में। का नाम है नरके सिंह गोरे गोरे बालन वह जीती हन। लगाया हुआ है कि कोई दिक्कत है आँख में? नहीं नहीं आँख में नहीं है, मैं समृद्धि दिखा रहा हूँ कि मैं इस सरकार के लाभ इस सरकार की योजनाओं से लाभ लिया हुआ। आपके घंटे बिजली आती है आरके सिंह के राज में? 24 घंटा करीब मान के चलिए। हाँ ये यहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं है कि आरके सिंह को हराया जाए। तो बीजेपी वाले ही लग रहे हैं, आपका भगवा गमछा बता रहा है। भगवा गमछा लेना ये बीजेपी का संकेत नहीं है। उसके बाद मुड़ीकटवा को लोग यहाँ पसंद नहीं करेंगे। आज देश विकास की ओर बढ़ रहा है। सुदामा प्रसाद विधायक है, उसी विधानसभा के रहने वाला भी मैं हूँ। अच्छा, आप जी, वहीं से हैं। जी, 10 वोट उनको नहीं देंगे आप? आरके सिंह के काम से अब दूल्हों की समय पर शादियां हो रही हैं, अब बारात समय पे पहुंच रही है। देखिए आज हम लोग पहुंचे हैं बिहार की आरा लोकसभा में। सब सीटों का हाल हमने जाना और आपको बताया भी, लेकिन आरा नहीं छूटना चाहिए। आरा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आरके सिंह है और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। यहाँ भाकपा माले की तरफ से सुदामा प्रसाद मैदान में है। देखिए पिछला रिकॉर्ड देखकर यही लगता है कि आरके सिंह काफ़ी मजबूत है इस बार भी, लेकिन फिर भी ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, चाय की दुकान आप देख मेरे पीछे देख पा रहे हैं, उधर सामने आप देखेंगे एक छोटा सा तालाब नज़र आ रहा है, पीपल का पेड़ है, बहुत लोग बैठे हैं, तो यहाँ अच्छी खासी भीड़ है। लोगों से एक सही राय निकल कर आ सकती है। शुरुआत करते हैं यहाँ से, करते हैं बाबा से शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम ब्रह्मानंद सिंह भैया। क्या है आरा का मिजाज, कौन जीत रहा है इस बार? ओ जे काम कैले बाबू जीती। कौन काम? आरके सिंह का नाम है नरके सिंह। हाँ। हाँ गोरे गोरे बालन। हाँ वह जीती हन। हाँ जैसे उन्हीं के जितना एरिया से इलाका जितना काम भइल बा उनके में कुल वोट दिया। क्या बात है, आरके सिंह को सीधे वोट देने की बात की, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लोकसभा में लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट का जिक्र बहुत कम लोगों ने किया। आरके सिंह का सीधे जिक्र हो रहा है, ये बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। क्या है इधर, आप लोग किसको जितवा रहे हैं? देखिए यहाँ पर विकास पुरुष आरके सिंह ही हैं। अच्छा, बहुत काम किया, अच्छा काम किए हैं, हम लोग तो आरके सिंह को ही वोट देंगे। जी क्या नाम है आपको भैया? मेरा राजवीर सोनी नाम पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बिहार में तेजस्वी यादव ने एक माहौल भी बनाया हुआ है, रोजगार का मुद्दा उठाया हुआ है, आप लोगों को क्या लगता है? जैसे ये बीजेपी की बात करें, हमको लग रहा है आप भी बीजेपी समर्थक है। हाँ हम लोग बीजेपी समर्थक है। हाँ, तो रोजगार के मुद्दे पर क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव काफी माहौल बनाए हुए हैं रोजगार के मुद्दे पे, ये रोजगार का बात कर रहा है। जो अगर एजुकेटेड है, जो पढ़ रहे हैं, उनको तो रोजगार मिल ही रहा है। अच्छा। जो जिनको समझ नहीं है उनको रोजगार के लिए वो एक मुद्दा बना दिया कि रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, चलिए मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या भैया चश्मा वगैरह लगाया हुआ है, कि कोई दिक्कत है आँख में? नहीं नहीं आँख में नहीं है, मैं समृद्धि दिखा रहा हूँ कि मैं इस सरकार के लाभ इस सरकार की योजनाओं से लाभ लिया हुआ। आपके चश्मे और समृद्धि हुआ। आपके चश्मे से क्या दिख रहा है, इस सरकार में क्या देखा आपने? एक इस चश्मे से नहीं, खुले आँख से भी दिखता है। अच्छा। आज देश का जो माहौल है, जिस तरीके से 11वें अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, तो इस दौर में हमारा विकास, और देखिए हमारे विकास के बारे में कहें तो हमारा उम्मीदवार जो है, हमारा जो सांसद है वो मंत्री हैं। अच्छा। केंद्र सरकार में जी, जी। वो कहते नहीं किसी राज्य के नवरत्नों में से एक रत्न। हाँ। तो हमको लगता है कि ये हमारे आरा के लिए सौभाग्य है कि ऐसे सांसद मिले हैं हमारे लिए, और वो सांसद जो देश का बिजली की पूरी व्यवस्था देख रहा है। बिल्कुल। तो हमारे लिए गर्व का विषय आरा में विकास चौतरफा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह, और कहीं ना कहीं जो लोकल समस्याएं हैं, क्या उन्होंने उस पर काम किया है? क्या लगता है आरके सिंह ने यहाँ आप आरा के वासियों के लिए, आरा के लोगों के लिए कुछ काम किया है, क्या बताएंगे आप? बहुत सारे काम किए हैं। सबसे बड़ा काम बता सकते हैं आप? सबसे बड़ा काम तो पहले तो यहाँ आरा स्टेशन पर अब लिफ्ट लगवा दिए। अच्छा। समझ गए। हाँ। उसके बाद बिजली सुधार दिए। अच्छा। ठीक है, गांव-गांव तक रोड बनवा दिए। कितने घंटे बिजली आती है आरके सिंह के राज में? 24 घंटा करीब मान के चलिए। हाँ ये एकाध दो घंटा कटता है इधर उधर लाइन सेटिंग करने में। पहले आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले क्या हालात थे? 10 साल पहले नहीं, मैंने 10 साल पहले, 4 साल पहले, 20 साल पहले बिजली की बहुत हालत बुरा था। अच्छा। बहुत बुरा था। जब से यहाँ पर बना था तब से ठीक है, आरके सिंह जब से आए तब से सब ठीक है। बिल्कुल, एक ये एक बड़ी तस्वीर दिख रही है आरा में कि यहाँ के स्थानीय लोग नाराज बिल्कुल नहीं है कैंडिडेट से। क्या नाम है आपका? धनजी कुमार सोनी। क्या काम करते हैं धनजी? हमारा दुकान है। दुकान चलाते, व्यवसाय हुए। आपको क्या लगता है जो आरा का व्यवसायी वर्ग है, आरके सिंह को पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा है? बहुत पसंद कर रहे हैं, और विपक्ष को आरा से जो भाकपा माले के प्रत्याशी है या कोई भी हो,
उनके पास कोई जवाब नहीं है कि आर के सिंह कोई काम नहीं किए, इतना ना काम कर दिए हैं कि विपक्ष भी पस्त हो गया है, किसी तरह आर के सिंह को हराया जाए। आर के सिंह बहुत काम किए हैं, जैसे मान के चलिए पटना से आरा से पटना जाने में कोइलवर जाम, फर्स्ट बार मंत्री बनते कोइलवर पुल साइड में पुल बना दिए, दूसरी बात आरा से दिल्ली और ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए ट्रेन खोल दिए हैं। ऐसा कोई मंत्री जो नहीं था कि जो ऐसा काम करे, जो आर के सिंह बहुत सारा काम किए। मतलब आप कह रहे क्लीन स्वीप है यहाँ पर? यहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं है कि आर के सिंह को हराया जाए। क्या बात है, आप तो बीजेपी वाले ही लग रहे हैं, आपका भगवा गमछा बता रहा है। भगवा गमछा लेना ये बीजेपी का संकेत नहीं है। बताइए फिर किसका संकेत? हमारा शान है, आन बान और शान तीनों है। और भगवा गमछा ये केवल भगवा गमछी के रूप में नहीं है, ये शौर्य का प्रतीक है। बिहार में राजद तेजस्वी यादव आप देख रहे हैं कि अकेले पूरा बीड़ा उठाया है तेजस्वी ने, एकदम ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को पूरी तरह से बांधा है बिहार में तेजस्वी ने। देखिए ये विपक्ष को उन्होंने बांधा कहाँ है? अच्छा, आप जिस तेजस्वी यादव की बात कर रही हैं वो अकेले कहाँ हैं? उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। अच्छा। आप देख रही हैं चुनाव भी खुद ही लड़ रहे हैं, टिकट भी खुद ही बांटते हैं, अपराध भी खुद ही करते हैं, सरकार भी खुद ही बनाते हैं। अच्छा। ये दूसरे पार्टी को ये लोग कहाँ कर रहे हैं कुछ, ये तो सब अपने ही लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट आरा में फाइट में है कि नहीं आप लोगों के लिए? देखिए जो व्यक्ति जिसको भोजपुर के लोग मुड़ी कटवा के नाम से जानते हैं, जो 90 के दशक में आए दिन ऐसे बहुत सारे उस व्यक्ति पे केस भी हुआ है, कई केस में उसने जेल गया है, उसके बाद मुड़ी कटवा के लोग यहाँ पसंद नहीं करेंगे। आज देश विकास की ओर बढ़ रहा है। जहाँ तक हमारी जानकारी है सुदामा प्रसाद मौजूदा विधायक भी हैं, क्या आप लोगों को दिक्कत है उनसे, क्या परेशानी है, नाम बताइए। देखिए जी, मेरा नाम तो माझिल सिंह है, और जिस विधानसभा से सुदामा प्रसाद विधायक है उसी विधानसभा के रहने वाला भी मैं हूँ। अच्छा, आप जी, वहीं से हैं? जी, 10 साल उनको नहीं देंगे आप? ना, 10 साल में वो विधायक बन के वो एक भी गाँव में योजनाओं को नहीं पहुँचा पाए, मेरे गाँव में तो नहीं पहुँचा उनका योजना, और विभिन्न तरीके से हमको शिकायत आती है, कहीं जाते होते नहीं है, कुछ जानकारी भी नहीं है, वो सो कर बस नेवता पुराने वाले हैं। लेकिन ये सोच लीजिए कि एक विधानसभा की जनसंख्या बनाम एक लोकसभा की जनसंख्या क्षेत्र कितना बड़ा होता है, हजारों गांव में ये आर के सिंह का माइंड देखिए कितना विकास करने वाला माइंड है। अच्छा। कि हजारों गांव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक योजना पहुँचा दिए हैं। अच्छा। अगर कोई 50-40 गाँव बचा भी है तो वहाँ की योजना बन चुका है, अगर नहीं भी जहाँ बना हुआ है तो यही कराएंगे। अभी आपने भाई साहब से पूछा कि यहाँ पे कोई बड़ा योजना उनका बताइए, यहाँ पटना जाने के लिए हम लोग यहाँ से अगर बारात लेकर दूल्हा जाता था शाम में भैया, तो दूसरे दिन उसका शादी होता था। अच्छा। इतना जाम था, अगर आपको पटना जाना होता ना तब कम से कम 8 घंटा फ्लाइट छूट जाता था, कितने पेशेंट इधर ही रह जाते थे। तो इतना बड़ा कुलर पुल बना है, बिहिया में जो ओवर ब्रिज बना वहाँ पे भी स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पे भी, तो जो बड़ा बड़ा शहर के चारों तरफ आप देखिए कितने फोर लाइन से जोड़ दिए, तो ये बड़ा काम हो गया। बगल में देखिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर के सिंह के काम से अब दुल्हों की समय पर शादियां हो रही हैं, अब बारात समय पे पहुंच रही है। और उसके बाद मैं बता देते हैं, सुनिए, ये देखिए रामना मैदान है, यहाँ पर कोई बैठने वाला नहीं था, और आज 12 बजे रात तक आइएगा तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली उल्ली में कोई बड़े सिटी में हम लोग बैठे हैं, सारे फैमिली एंजॉय कर रहे हैं। तो इस रात में भी सुरक्षा है, आर के सिंह का मतलब ही विकास है। और ऐसा एक लोकसभा है जहाँ की इनके पास केंद्र की बहुत सारी योजनाएं बहुत सारी योजनाओं को मुद्दा मोदी के योजना भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन ये खुद का विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता भी इनके नाम पे चुनाव लड़ा रही है। ये बात किसी से पूछ लीजिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ आर के सिंह के अपने काम की वजह से लोग उनके साथ खड़े हैं। आप भी मेरे ख्याल से आप सभी एक ही बात कहेंगे, लेकिन बात कैसे कहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम आपसे जो सवाल पूछेंगे जरा गौर से सुनिए, रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को कहीं ना कहीं विपक्ष तो घेर ही लेता है। देखिए रोजगार के जहाँ तक हम बात करते हैं, इस देश के अंदर 2014 से पहले कितना रोजगार था और 14 के बाद कितना रोजगार हुआ है आप देख सकती हैं। 2014 के पहले इस देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी थी, इस देश के अंदर मेट्रो स्टेशन कितना था, एम्स की बात करते हैं और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का बात करते हैं, जहाँ भी आप देखिए अगर रोड का कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं तो 97,000 किलोमीटर 2014 से पहले कंस्ट्रक्शन था, आज 1.5 लाख से ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ। इस कंस्ट्रक्शन में कौन लोग काम कर रहे हैं? रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है। अच्छा, ये आप लोगों ने आम जनता को ये समझाया है? कोई समझाया नहीं है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो आज लोगों को युवाओं को रोजगार करने के लिए जो लोन मिल रहा है आसानी से, जो कि बिना कोई मॉर्गेज
किए हुए हैं। 14 के पहले इतना आपका जमीन का पूरा भूमि का जितना कच्चा चीता सब बैंक को जमा करे तब आपको लोन मिलेगा। आज प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत ऐसे ही आपको 2 लाख रुपया मिल जा रहा है। PMGP के तहत आपको लोन तो मिल रहा है, साथ में 35% 40% सब्सिडी भी मिल रहा है। देखिए लोगों की जबान पर काम है, लोगों को याद है कि किया क्या है मोदी सरकार में, काम कितना हुआ है। देखिए इन तमाम लोगों से बातचीत करके एक मिली जुली राय तो ये साफ हो चुकी है कि यहाँ से क्लीन स्वीप है। ये ऐसी लोकसभा सीट है बिहार की, आरा इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ BJP का अपना कैंडिडेट सीधे चुनाव कह सकते हैं कि जनता ने एक तरह से जितवा दिया है। हाँ, 4 जून का इंतजार सभी को करना होगा, हम भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ग्राउंड से यही रिपोर्ट है कि यहाँ से RK सिंह लगभग जीत चुके हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। इस पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।